भालू और लोमड़ी। भालू मियां अक्सर बी लोमड़ी की चालाकियों का शिकार रहते थे। आज भी ऐसा ही हुआ। बी लोमड़ी ने इत्तला दी कि इधर झोपड़ी में नए सयाह आए हैं, इनके पास शहद के जा रहे, तुम्हारे तो मज़े हो जाएंगे। वो बेचारा लालच में इस तरफ निकल गया जिस तरफ का लोमड़ी ने बताया था, लेकिन कुछ दूर जाकर उसे अंदाज़ा हुआ वो फिर इसकी चाल में आ गया है, क्योंकि दूर दूर तक किसी झोपड़ी का नामो निशान तक ना था। इसके पाँव भी जख्मी हुए क्योंकि रास्ते में कंटे थे। आज इसको लोमड़ी पर बहुत गुस्सा आया और उसने इरादा किया अब वो इससे ज़रूर बदला लेगा। शाम को वो अपने दोस्त हाथी के पास गया और तमाम माजरा सुनाया। उसने भी मदद करने का वादा किया और मिलकर लोमड़ी को सज़ा देने का मंसूबा बनाया। जंगल में हर रोज़ किसी ना किसी जानवर को बादशाह शीर के हुक्म के मुताबिक ड्यूटी देना होती थी। वो अपने मुकर्ररा दिन पहरा देता और अमन वाओ अमान कायम रखता। वो दिन आ गया जिस दिन भी लोमड़ी की ड्यूटी थी। मंसूबे के मुताबिक भालू इसके पास गया और कहने लगा, बी लोमड़ी, वज़ीर उल्लू ने आपको जल्दी बुलाया है, आप हमारे साथ चलें। हाथी ने भी यही अल्फाज दोहराए और बताया कि बादशाह सलामत भी वही हैं। मेरी तो आज ड्यूटी है, मैं कैसे अपनी जगह छोड़कर जाऊं? भालू ने कहा, आपकी मर्ज़ी, हमारा फ़र्ज था आपको बताना, अब आप जाने और बादशाह सलामत। ये कहकर वो दोनों चलने लगे कि वो भी कुछ सोचकर उनके साथ चल पड़ी। बादशाह का शाही घर काफ़ी फासिले पर था। वो तीनों आगे पीछे जा रहे थे कि इतने में भालू को अपने बच्चे की आवाज़ आई और वो अभी आने का कहकर चला गया। हाथी भी प्यास का बहाना करके दूसरी तरफ मुड़ गया। बी लोमड़ी भागती जा रही थी कि इसको शेर की धार सुनाई दी। जब उसने गौर किया तो आवाज़ इस तरफ से आ रही थी जिस तरफ उसकी ड्यूटी थी। उसको सारी बात समझ में आ गई कि वो बेवकूफ़ बन चुकी है, अब उसको सज़ा मिलनी थी। इससे पहले कि कोई उसे बुलाने आता वो खुद ही बादशाह के सामने पेश हो गई। अब इसकी कोई चालाकी काम नहीं आती थी और ना इसकी किसी बात का यकीन आता था। बादशाह शीर ने उसकी लापरवाही पर इसको सख्त अल्फाज में डांटा और सज़ा तजवीज़ की कि अब उसको पूरा एक माह ड्यूटी देना होगी। ये सुनकर बी लोमड़ी के होश उड़ गए। बादशाह के जाने के बाद भालू और हाथी दरख्त के पीछे से सामने आए और एक ज़बान होकर बोले, अब मज़ा आया कि दूसरों को तंग करने का अंजाम कितना बुरा होता है।